तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप अगर यूट्यूबर हो, आप एक क्रिएटर हो, चाहे वो टिकटॉक पे वीडियो बनाते हो, फेसबुक के लिए बनाते हो, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप वीडियो बनाते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है बताओ? आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी वीडियो में वॉइस क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं होगी आपकी वीडियो में वॉइस क्वालिटी, तो लोग क्या करेंगे, आएंगे और उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आप बोल क्या रहे हो। कितने लोगों की वीडियो मैं देखता हूँ जो कि हमारे जो पहचान के हैं, जो जानने वाले हैं, हम ऑनलाइन ही मिले थे, लेकिन उनकी वीडियो मैं देखता हूँ, उन्हें बार बार यही बोलता हूँ कि आप अपनी वॉइस क्वालिटी इंप्रूव कर लो, लेकिन जब भी मैं वीडियो देखता हूँ तो उसमें सेम वही चीज़, आवाज़ ही नहीं आती है वीडियो में। फुल साउंड करके मैं हेडफोन लगा के भी सुनूं, फिर भी समझ में ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपनी वीडियो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वॉइस क्वालिटी इम्प्रूव करो। अगर आपकी वीडियो में वॉइस ही नहीं रहेगी तो आपका वीडियो कौन देखेगा? और देखेगा भी तो 10-15 सेकेंड, 30 सेकेंड देख के चले जाएगा, फिर आपका चैनल कैसे ग्रो होगा? वो तो जब तक 2-3 मिनट तक वॉच टाइम नहीं आएगा आपकी वीडियो में, तो यूट्यूब क्या करता है, ऑटोमेटिक उस वीडियो को नीचे ले जाते रहता है, वो सर्च लिस्ट में आता ही नहीं है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता ही नहीं है। जब आपकी वीडियो लोग देखेंगे ही नहीं ज़्यादा टाइम तक, तो आप ग्रो कैसे करोगे? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपनी वीडियो में वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अफरोज रब्बानी, आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और दबाइए इस घंटे को। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को बहुत पहले से देख रहे हो या फिर आप नए आए हो, तो आप हमारी वीडियो में वॉइस क्वालिटी सुन सकते हो, कितनी क्लियर है, इसमें थोड़ा सा भी नॉइस नहीं है। और मेरे रूम से आसपास से गाड़ी भी गुजर जाती है, फिर भी मेरे माइक में कोई भी नॉइस नहीं होता। अगर कोई शोरगुल भी कर रहा होता है मेरे रूम से बाहर, तो वहाँ पे थोड़ा सा भी माइक जो है आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करता है, कोई भी नॉइस नहीं देखने को मिलती है। अब आप पूछोगे कौन सा माइक इस्तेमाल करते हो? भाई, जो बड़े से बड़ा यूट्यूबर माइक इस्तेमाल करता है, वही मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे बोया का M1 माइक मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप खरीदना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको लगता है कि बहुत महंगा है, तो आप इसका जो डुप्लीकेट वर्जन है वो भी खरीद सकते हो। आप 200-300 रुपये का कोई भी जेन्युइन माइक ले लेना, उसमें भी अच्छी वॉइस क्वालिटी रिकॉर्ड हो जाती है। अगर आप फिर भी नहीं खरीदना चाहते ये भी, तो आप अपने फ़ोन का जो ओरिजिनल जो हेडफोन होता है, आप उसे लगा के उसे कहीं सेफ जगह नीचे रख दो, ताकि वो हिले डुले ना, या फिर नीचे फोम रख के फिर उसके ऊपर रख दो, ताकि अगर थोड़ा हिले डुले भी तो उसमें नॉइस ना आए। तो इस तरह से आप अगर रिकॉर्ड करते हो, तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी है बहुत ही अच्छी आएगी, और आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता कि आपके पीछे क्या है। आप अगर अच्छी वॉइस क्वालिटी के साथ वीडियो बनाओगे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वॉच करेंगे, तो इससे आपकी रीच बढ़ेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो आपकी सर्च में आएगी। तो आपसे यहाँ पे एक सजेशन मांगना चाहता हूँ। अगर आप ये ग्रीन स्क्रीन देख रहे हो, अगर आप इसके साथ वीडियो देखना पसंद करते हो, तो कमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि मैं जैसा कि ग्रीन स्क्रीन जो क्रोमा की से हटा देता हूँ, तो आप उस तरह से देखना पसंद करते हो, वो हमें कमेंट करके बताना, फिर हमको लगेगा कि हाँ यार, ये रहने दूँ या फिर हटा दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको वीडियो बनानी है नॉइस फ्री, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, नया आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, एंड गुड बाय।